नमस्कार, एससीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी पाल। बीते 3 दिनों से दिल्ली में भड़की हिंसा की चिंगारी 20 लोगों की मौत का कारण बन गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई इस हिंसा में 200 लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। इस हिंसा के चलते आम जनता का बुरा हाल है। दुकानों को लूटा गया है, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, जिसके चलते लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया। 22 फरवरी को पुलिस कांस्टेबल की मौत के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ चुकी है। सवाल ये उठता है कि सब कुछ हो जाने के बाद ही पुलिस व प्रशासन सक्रिय क्यों होता है। फायर ब्रिगेड की टीम भी तब मौके पर पहुंची जब सब कुछ तहस नहस हो चुका था। प्रशासन ने परिस्थिति का जायजा लेते हुए इन सभी इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। बड़ा सवाल यही उठता है कि लोगों के दिलों में कब तक खौफ बना रहेगा। यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। सवाल यही उठता है कि सांप्रदायिकता की ये आग कब तक जलती रहेगी और लोग कब तक इसी खौफ में दिल्ली के अंदर जीते रहेंगे। आगे की खबरों के लिए बने रहिए एससीएन न्यूज के साथ।